आप हॉस्पिटल में हैं। अरुण कहाँ है? कहाँ है अरुण? मुझे क्या हुआ? अरुण कहाँ है? डॉक्टर देसाई। यस डॉक्टर। रिलैक्स अरुण कहाँ है? आपका दोस्त अरुण नहीं बचा। नहीं। आप तक ही रहे, लेकिन उस जानवर ने नहीं। अरुण की जान ले ली। सेडेशन प्लीज, सेडेशन। ओके क्विक। वक्त पे कैसे आ गए? मैं जल्दी नहीं आया हूँ। आज तुम पहली बार लेट आई हो। बात क्या है? आज हॉस्पिटल में बहुत उलझा हुआ केस आ गया। उसके ऑपरेशन टेस्ट में बहुत वक्त लग गया। ये हाथ को क्या हुआ? और ये निशान कैसे पड़ गया? उसी पेशेंट की वजह से। आज हम उसे इंजेक्शन दे रहे थे तो उसने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया और खून जम गया। थक गई रवि। आज मेरा भी दिन कुछ अच्छा नहीं कटा। सुबह सुबह घर से टेलीग्राम आ गया, पिताजी की तबीयत फिर खराब हो गई। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, सम डेज आर जस्ट बैड डेज। बीमा, ए बीमा, तू यहां क्या कर रहा है? शहर में? इधर इधर आ। बाबू, ए बाबू, कल रात सपना माँ देवी माँ आई थी, हमका बोली बीमा उधर शेर को मरवा डाल, इसलिए हम यहाँ आए। बाबू बाबू वक्त बहुत कम है, वो देख, वो जान का देख बाबू, वो जान का देख। कचुकर कचुकर बाबू, हम सबका जान बचाई ले बाबू, हम सबका जान बचाई ले बाबू। क्या कर रहा है? तू तो मर गया था। चल मेरे साथ, कूद जा यहां से, मार डाल अपने आप को। मार डालूं क्यों? क्योंकि तू नहीं है विकी, तू विक्रम चौहान नहीं है। वो विक्रम तो उसी रात मर गया था गुफा में मेरे साथ। तेरे अंदर एक शैतान है जिससे तुझे काली शक्तियां मिलने वाली है, और उन काली शक्तियों का तू गलत इस्तेमाल करने वाला है। और अगली पूर्णमासी की रात को जब चांद सर पे चढ़ेगा, तब ठीक 12 बजे तू जानवर बन जाएगा विकी, जानवर। तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, चला जाए यहां से। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता विकी? तू शापित है, ये श्राप तुझे मासूमों की जान लेने पे मजबूर करेगा। इस पाप के चक्कर से बचने का एक ही तरीका है, मार डाल अपने आप को, आत्महत्या कर ले विकी, वरना तू एक शैतान बनकर रह जाएगा। तो फिर शैतान ही सही, मुझे शैतान बनकर जीना कबूल है, लेकिन मैं आत्महत्या कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। चला जाए ऐसे। गेट आउट। साहब, 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 आप इस समय यहां ऑपरेशन थिएटर में क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए वार्ड में, चलिए ना।
ऐसे दौरे उसे बार बार पड़ते हैं? जी वो ऐसा ही कहता है। क्या ये प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल तो नहीं? डॉक्टर पुरी, आपकी साइकियाट्रिक रिपोर्ट क्या कहती है? डॉक्टर देसाई, हमने सभी टेस्ट किए, इस रिपोर्ट के हिसाब से तो इनकी दिमागी हालत बिल्कुल नॉर्मल है। एनीवे, फिर भी मुझे लगता है कि इस पेशेंट को 48 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए, और ये ड्यूटी आपकी है। यस नीता, थैंक यू। थैंक यू, दैट्स ऑल। थैंक यू। कितने बार कहूं कि मुझे भूख नहीं है, बाद में खाऊंगा। बाद में नहीं, अभी खाना होगा। तुम्हें खाने के बाद दवाई भी लेनी है, समझे? ना ही तो मैं खाना खाऊंगा, ना ही दवाई खाऊंगा। तुम बच्चों की तरह जिद कर रहे हो, अब खाते हो या खिलाऊं अपने हाथों से? खबरदार जो ऐसा किया तो। अच्छा, धमकी देते हो, अब तो तुम्हें खाना ही होगा। सिस्टर तुम जाओ। देखो मैं नहीं खाऊंगा, समझी? गुड बॉय। जानती हो क्या, किसी ने पहली बार इस तरह मुझ पर हक जमा के खाना खिलाया है। अच्छा, बड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लगा कि नीता ठीक तो होगी? यार तो कमाल का आदमी है, अभी 2 घंटे पहले उसको मिला था बस स्टॉप पर, तेरे दिमाग में नीता ही हर वक्त। अरे भैया अपन धंधे पे, आप तो कुछ प्रोड्यूसर ने किसी और को साइन कर लिया हुआ। चल इतनी मासूमियत पहले कभी नहीं देखी, ये होगा मेरा असली शिकार। नींद नहीं आ रही है क्यों? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। मेरे बारे में? हाँ। मुझे लगता है कि तुम्हें सो जाना चाहिए, वरना इंजेक्शन देना पड़ेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी अच्छी नीता। हाय। हाय। तुमने शायद नोटिस नहीं किया होगा कि आज मैं पहली बार टाइम पर आया हूं। जानती हो क्यों? पूछो पूछो। चलो हम खुद ही बता देते हैं। वो इसलिए कि जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो उसको वक्त के पीछे पीछे नहीं भागना पड़ता, घड़ी की सुइयां खुद ब खुद उसके आगे पीछे चलती हैं। अरे 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 भाई क्या हुआ? मैंने तो वक्त पे इतनी अच्छी खासी फिलॉसफी झाड़ दी और तुम होगी पुतले की तरह रिएक्ट ही नहीं कर रही हो। बात क्या है नीता, क्या हुआ? कल रात बहुत बुरा सपना देखा रवि, जानते हो क्या देखा? देखो नीता, आज के बाद हमारे बुरे ख्वाब देखने के दिन खत्म हो चुके हैं। आज से हम हमेशा अच्छे, खूबसूरत और रोमांटिक ख्वाब देखा करेंगे। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे रवि को काम मिल गया है और 5,000 रुपए का चेक भी। क्या नीता, ये देखो।
ये हमारी शादी की ओर का पहला कदम। अब हम इसको बैंक ले चलेंगे, इसको कैश करेंगे और फिर सेलिब्रेट करेंगे। और तुम्हारे चेहरे की सारी उदासी है ना, वो नोटों को गिनते 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 9 2 11 यानी कि 54 हो जाएगी।